मेरे को बहुत मजे आ रहे हैं ना अभी, बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं ये देख के। आई डोंट वांट टू बी इविल, बट बेटी जी को आज बांधा गया है क्योंकि ये प्रेजेंटेबल नहीं है। जब भी हमारे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं तो ये बदतमीजी करती है, इसलिए आज इसको सजा मिली है। आज मेहमानों के सामने इसे बांधा गया है। आई थिंक इसको अभी समझ आ गई कि किसी को भी मारना गलत बात है, पर मुझे नहीं लगता ये सुधरी है। ज्योति अब इसको खोल रहे हैं हम। हाँ। ज्योति खोलेगी। कैसा लगा? सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी अभी हमारे पास एक बुल रेस्क्यू होके आया है कांगड़ा से। पैर में चोट होने के बावजूद भी इसने काफी दौड़ाया है हमारे स्टाफ मेंबर्स को। काफी दिक्कत आ रही है डॉक्टर गुलशन को ये कट करने में भी, क्योंकि बहुत पुरानी बैंडेज है। अगर आपने किसी एनिमल की ट्रीटमेंट शुरू की है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार पुरानी बैंडेज निकाल के नई बैंडेज बांधे, नहीं तो जो पुरानी बैंडेज है वो बहुत हार्ड भी हो जाती है और अंदर वुंड जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। इसका खुर मेन इशू है, टूटा हुआ है खुर भी और ऊपर एक वुंड है। साहिल भैया ने ये नोटिस किया कि आगे वाला जो इसका हूफ है वो भी टूटा हुआ है। टोफू आई है इसका ढांडस बधाने के लिए, इसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए इमोशनल। टोफू हमारी थेरेपी गाय हो गई है यहाँ पे, ये देखो। बस बेटा बस। इसका नाम दबंग है और दरअसल इसको इसकी पूंछ के ऊपर बहुत खुजली हो रही है क्योंकि इसको गैंग्रीन थी। इसकी पूंछ का एम्पुटेशन हो गई है लेकिन फिर भी अभी थोड़ी इचिंग बाकी है, तो इसलिए ये अपनी पूंछ पे गुस्सा होता है और अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सर जा रहे हैं वापस, इनका नाम है थानेदार जी और ये गाड़ी में लोड हो चुके हैं। थानेदार वो गुस्सेल बैल है जिसने नवीन भैया को मारा, फिर हमारे 2-3 और बैलों को मारा था। इसे पेट के पास एक बड़ा सा घाव था जिसमें मैगेट्स लग गए थे। काफी दिन ये हमारे पास रहा, इसकी ट्रीटमेंट चली, आज फाइनली ये ठीक होके वापस अपने एरिया कांगड़ा में रिलीज हो रहा है। मेरे ख्याल से एक की जगह 2 बैल लाने का जगह मिल जाएगा। इतना बड़ा था, इतनी ज्यादा जगह रोक लेता था और ये बहुत लड़ता था ना यहाँ पे। एक दो दिन पहले देर रात को ये बछड़ा हमारे पास गरोह से आया था, इसके बारे में अरुण जी ने हमें बताया था। बछड़े को पीछे के पैर में एक फ्रैक्चर है और सामने के पैर में एक वुंड था, शरीर में और भी कुछ जगह पे घाव है इसके। हमने इसकी स्प्लिंटिंग अगले ही दिन कर दी थी और ये काफी बेहतर है पहले से। गुड न्यूज ये है कि पटोला जी न्यूटर हो गई है और अडॉप्शन के लिए रेडी है, तो आप चाहे तो आप हमें फोन कीजिए और इसे अडॉप्ट कीजिए। मेरे को बहुत देर से यहाँ एनिमल एरिया में सीटी की आवाज आ रही थी, मेरे को लगा पता नहीं कौन सीटियाँ मार रहा है यहाँ पे मेरे अलावा। ये सीटियाँ तो ये बेब जी मार रहे हैं। बेब क्या हो गया, क्यों दुखी हो? अब ये ज्यादा एक्टिंग करेगा। तेनू और मैं जा रहे हैं श्रद्धा जी और प्रतीक जी के घर। हम पहुंच गए प्रतीक जी और श्रद्धा जी के घर के एकदम सामने, जहाँ पे गुड्डी अडॉप्ट हुई है। हेलो, नमस्ते प्रतीक जी। हाय। और वो रही गुड्डी। हाय हाय, ये इसने पहचाना मुझे। गुड्डी तो एकदम हेल्दी है, हैप्पी दिख रही है और श्रद्धा जी और प्रतीक जी भी हैप्पी दिख रहे हैं। गुड्डी इतनी ब्यूटीफुली हील हो रही है, इसकी पूंछ भी बहुत बढ़िया लग रही है और प्रतीक जी ने और श्रद्धा जी ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन किया है। और साथ में ही इनके पास 2 कैट्स हैं और एक हैमस्टर है। एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, ये लोग सब एक साथ रहते हैं। भले ही बाहर इट इज लाइक के एक दूसरे का शिकार करते हैं ये, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको याद होगा हमारे पास 6 पपीज आए थे जिसमें से सारे मेल्स तो अडॉप्ट हो गए थे, लेकिन हमारे पास बची थी सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी एंड स्नो वाइट। गरोह से मूलराज जी ने सिंड्रेला को अडॉप्ट किया है और हम सिंड्रेला के लिए बहुत खुश हैं। थैंक यू फॉर अडॉप्टिंग अडॉप्ट देसी डॉग्स। ज्योति सुरीली के क्या हाल है आजकल? कवरी इसकी बहुत अच्छी हुई है, बाल भी लगभग पूरे हर एरिया पैचेस में आ चुके हैं। कमल ध्यान रखते हैं इसके मिनरल मिक्सचर वगैरह का। कमल जी का नाम लिया और सुरीली की मॉम हाजिर हो गई। हाय कमल भाई। इतनी सुंदर हो रही है और सुनहरी लगती है, शाइनिंग लगती है और शाइनिंग की तरह शाइनिंग लगती है। राइम करने का मन किया कुछ भी। ये हमारे भाई साहब प्यारे लाल जी बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद नहीं है। जब ये गगल से हमारे पास आए थे तो इनको आईलिड जो ये पलक है इसके ऊपर एक मैगेट वुंड था और पीछे वाली साइड भी एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड था। इसके दोनों घाव पूरे रिकवर हो गए हैं, स्किन यहाँ पे रह गया, तो हम ये एक जिंक ऑक्साइड और बिटाडिन लिक्विड या ऑइंटमेंट का पेस्ट बना के लगाते हैं, जिससे ना तो अभी मैगेट्स की प्रॉब्लम जाएगी और घाव भी हील हो जाएगा। कि हमें और रेस्क्यूज लेने हैं तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक गाय आई थी जिसका नाम था फिदा, उसके कान और मुंह के साइड पर बहुत गहरा घाव था। मैगेट्स ने इतना ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया था कि जो जॉ मसल्स थे वो पूरे डैमेज हो गए थे और ये इन्फेक्शन उसके ईयर तक पहुंच चुका था और ईयर डिस्चार्ज भी मिक्स हो रहा था। इन्फेक्शन हम कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स उसके स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण वो नहीं बच पाई।
हमारे पास कांगड़ा से ये गाय आई है, सलोनी सहगल जी ने इसके बारे में हमें बताया था। इसको हर्निया का प्रॉब्लम है। हर्निया इस वजह से होता है कि कई बार एनिमल्स में मसल्स रप्चर हो जाती हैं और उस रप्चर की वजह से जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो बॉडी के बाहर आ जाता है, लेकिन स्किन इंटैक्ट रहती है। अभी हमने इसकी सर्जरी फिक्स करी है और सर्जरी के बाद हम इसका जो इंटेस्टाइन पार्ट है वो नॉर्मल पोजीशन में ले जाएंगे। होप सो ये जल्दी ठीक हो जाए। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी जी तुम्हें लड़ना ही है सब। ओ माय गॉड, ये मीमी भी कम नहीं है ना ही कम बेटी है। बेटी तुम मुझे मत मारो, और मैं इनकी लड़ाई रोकने के बजाय आप लोगों के लिए ये शूट कर रही हूँ। नो मीमी, नो नो। बेटी ने तो सुन ली ज्योति की बात। गुड बेटी जी, तुम अच्छी बच्ची हो। आपको दिख रहा है कैसे मैं जान पे खेल के आपके लिए क्लिप्स लेती हूँ? यहाँ पे हम रस खा रहे हैं और खट जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं रस खा रही है, मेरे पास सोए समोसों का पुराना पैकेट पड़ा है। हमें एक्चुअली वीडियो शूट करना है, टीम सीज करके एक प्रोजेक्ट है, और बाकी जो है मैं खट पे जाके शाइनी को डिटेल दूंगा। आपको नहीं मिलेगी। हम आए हुए चंबीगढ़ पे वीडियो शूट करने और अभी शाइनी के साथ हमारा सातवां टेक, पर एटलीस्ट वी आर एंजॉयिंग द सीनरी। थैंक यू। बताएगा कैमरा उसके हाथ में जी। जो हमारा चिप्स का पैकेट पानी में बह गया चैतन्य वो पकड़ने निकला है। हम अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। मान लो कोई और पैकेट, जैसे वो पैकेट पड़ा है, अगर हम वो खट से निकाल लें तो हमारा पाप बराबर हो गया ना। हाँ, क्योंकि पहली बात ये कि हमने इंटेंशनली नहीं फेंका था। करेक्ट, हमारे इंटेंशन ये थे कि हम बस एक्टिंग करके लेके चले जाएंगे। कायनात हमारे पास छतड़ी से आई थी, ये बहुत ही प्यारी डॉग है। इसको जब ये आई थी बहुत सीवियर मेंज का इशू था, बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे इचिंग कर करके। मल्टीविटामिन सिरप्स और आइवरमेक्टिन डोजेज और मेडिकेटेड बाथ के थ्रू अच्छा हुआ है, अभी कोई भी घाव नहीं है और लगभग शरीर में बाल भी आने लगे हैं। टखनों से एक वॉलंटियर आए, इनका नाम हर्ष है, हमारे साथ फार्मिंग में वॉलंटियर कर रहे हैं। वेलकम टू पीपल फार्म हर्ष। हर्ष की खास बात यह है कि इनका अपना भी फार्म है और ये बहुत पहले से फार्मिंग करते हैं, साथ में एसेंशियल ऑयल्स भी बनाते हैं। मैं यहाँ पे फार्मिंग टेक्निक समझ रहा हूँ और अच्छी तरीके से, और ये भी समझ रहे हैं कि एक छोटे एरिया में हम लोग कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ और कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएँ फार्म में और बाकी लोगों के लिए। एक वॉलंटियर आए हैं मुंबई से। हाय प्रभु, हमारे एनिमल एरिया टीम के साथ वॉलंटियर कर रहे हैं एनरिचमेंट में। एनिमल्स के साथ काम करके ये थैंकगिविंग जॉब लगता है। और प्रभु ने यहाँ फार्म पे हमारे साथ वीडियोस भी बनाई है, रॉबिन के साथ वीडियोस भी बनाई है, और प्रभु खुद एक व्लॉगर है जो इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आपके चैनल का नाम क्या है प्रभु? जमीर, ZAMEER। ये संजय जी हैं। पूरे पीपल फार्म में से एक चीज जो इनकी फेवरेट है वो ये है, अटेंडेंस रजिस्टर, ये वाला जो है ना। अगर गलती से भी हमसे एक दिन अगर हम प्रेजेंट लगाना या एक्शन लगाना अपनी भूल जाते हैं तो हमारी वाट होती है। संजय जी आप हमें डांटते अगर हमारी गलती से भी एक दिन भी प्रेजेंट लगाना हमसे छूट जाए या एब्सेंट लगाना छूट जाए। टाइम से लगानी होती है, 9 से 9:30 और 2 से 2:30। अभी अभी ये दो छोटे छोटे से पपीज को रेस्क्यू करके हमारी टीम लाई है। इनकी बॉडी पे बहुत फ्लीज है, टिक्स है, एक फीमेल है और एक मेल है। रोड पे एक स्कूल है, उसके सामने ही छोड़ा हुआ है, जहाँ पे काफी गाड़ियों का आना जाना है, तो इजीली चांसेस थे कि इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। लोकल एरिया के है तो आज ही इनको यहाँ बुलवा लिया। ये भाई बहन जोड़ी के अभी तक नाम नहीं रखे गए, तो अगर आपके पास कोई क्यूट से नाम आते हैं तो हमारे लिए प्लीज सजेस्ट करिए। जब आप हमारे अपडेट्स देखते हैं उनपे कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हमारे ऐसे व्यूअर है जिनका कमेंट मैं ऑलमोस्ट हर अपडेट पे देखती हूँ, उनका नाम है विक्रम शर्मा जी, और वो हर बार हमें और प्रोत्साहित करते हैं। लास्ट वीक के अपडेट में उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू शाइनी बेटा, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के, तो थैंक यू विक्रम सर। ज्योति हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है विक्रम शर्मा जी, लास्ट वीक अनफॉर्चुनेटली तरबूज की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि ज्योति बहुत इमोशनल हो जाती है जब अनफॉर्चुनेटली किसी एनिमल की डेथ हो गई है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन साथ रहते रहते ट्रीटमेंट्स के दौरान ऐसा कनेक्शन बन जाता है, तो दुख तो होता ही है, तो कभी कभी ब्रेकडाउन भी हो जाता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस रहूँ। वैसे ज्योति हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी पूरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वी आर इमोशनल बींग्स। और मैं सोच रही हूँ कि अब से हर वीकली अपडेट में हम एक ऐसा कमेंट शामिल करेंगे, चाहे वो फनी है चाहे वो इंस्पायरिंग है। लास्ट वीक हमारे पास एक बछड़ा आया था, इसका नाम हमने गालिब रखा था, इसकी हेल्थ में अब बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैगट मून जो पैर के घाव हैं वो भी हील हो चुके हैं,
जबड़ा हमने वायरिंग की थी जो कि हम अगले हफ्ते खोल देंगे, उसके बाद उसकी रिकवरी पता चलेगी। बीच में फ्लूइड थेरेपी शुरू की थी क्योंकि ये खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन अब ये खुद से लिक्विड डाइट अच्छे से इंटेक कर रहा है और अभी चलता फिरता भी बहुत अच्छे से है। इसकी हमारे पास जब आया था तब इसके पीछे वाले पैर में एक हील फ्रैक्चर था, वहाँ पे एक घाव बना हुआ था, शरीर में और भी कुछ घाव थे एक्सीडेंट की वजह से, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, आज इसको रिलीज करने वाले। आज जामुन रिलीज हो रहा है। जामुन यहाँ पे पहले एक बार और आया हुआ था, सिर के ऊपर उसका एक मैगेट वुंड था और अभी वो पूरी तरह ठीक हो गया है और हम उसे रिलीज कर रहे हैं। मेरे साथ अभी सनिल जी हैं जो आए हैं बॉम्बे से। मैं यहाँ पे एनरिचमेंट में हेल्प करने आया हूँ। एनिमल्स के साथ तो कहीं भी अच्छा लगता है मुझे, ये तो बस हेवन है। टोफू तो कल से इसने मुझे गुलाम बना लिया है। काउ शेडिंग करते करते टोफू क्या हो रहा है, तुम हमारे वॉलंटियर्स को परेशान कर रही हो। पीपल फार्म में हम जो काम करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम सारे जो यहाँ काम करते हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि यहाँ के मेंबर्स की स्टोरी क्या है, तो आज बारी है सलोनी की। सलोनी की स्टोरी क्या है, वो यहाँ कैसे पहुंची? 4 साल पहले जब वीगन हुई, एक रियलाइजेशन ऐसा हुआ कि यार एक अनजस्ट सोसाइटी हमने क्रिएट कर रखी है जानवरों के प्रति, वो एकदम से हिट हुआ ना, तो मैंने बोला भाई इसी में करना है अभी, डोंट नो चेंज दिस। सलोनी ने यहाँ पीपल फार्म में क्या सीखा? लोगों के प्रति पेशेंस। सलोनी हमारे साथ 1 साल से जुड़ी है और उसने इस 1 साल में पेशेंस सीखी है। आप हमारे साथ कितने समय से जुड़े हैं और आपने हमसे क्या सीखा है वो हमें कमेंट्स में बताइए।